शांति। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर डियरेस्ट ऑडियंस। आज हम अपने पाथ ऑफ सक्सेस जो सीरीज हमने शुरू की है उसके हम सेकंड क्लाइंट से मिलेंगे, एक बहुत ही जानी मानी हस्ती जिन्हें उनके हमारे मंडी के आवाम में जाना जाता है एक सेवियर की फॉर्म में, एक फिलेंथ्रोपिस्ट के फॉर्म में। मैं मिलाना चाहूंगी आपको एक सक्सेसफुल हस्ती, डॉक्टर दीपाली अशोक। डॉक्टर दीपाली अशोक इज PhD इन बॉटनी एंड शी इज मेंटेनिंग अ बैलेंस इन हर लाइफ विद स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल एज इन हर डॉक्टरेट लाइफ एज वेल एज इन अ लाइफ वेयर शी इज मैरिड टू अ पर्सन हु इज DSP इन हिमाचल एंड रेदर देन दिस शी हैज अ ह्यूज फैमिली एंड शी इज डूइंग वेरी वेल इन दैट फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट विद हर। ओम शांति डॉक्टर दीपाली जी। आज आप हमारी गेस्ट बन के आए, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एज यू आर अ डॉक्टर इन बॉटनी, तो जिस तरह से आप मॉर्फोलॉजी में पेड़ों की डिस्क्रिप्शन करती हैं, किस तरह से क्या चीज ग्रो हो रही है, हमेशा आपने एक साइंटिफिक प्रोसेस को ग्रो करते हुए देखा है। मैं ये जानना चाहूंगी कि उस इंटरेस्ट से आप इस इंटरेस्ट में कैसे डेविएट हुई, कि इस फिलॉसफी तक आप कैसे पहुंची। शुरुआत में मैं TV पे जो सिस्टर शिवानी की एक सीरीज़ आती है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, जो बहुत से भाई बहन देखते हैं, वो देखती थी। तो उसमें नीचे मेरा कैप्शन की तरफ ध्यान गया एक दिन, तो उसमें आ रहा था कि अगर आपको राजयोग मेडिटेशन सीखना है तो इस नंबर पे संपर्क करें। तो ये जो नाम था राजयोग मेडिटेशन, इसने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया और फिर मैंने उस नंबर को कॉल किया और थ्रू एंड थ्रू वो इस सेंटर का नंबर मुझे मिला। और यहाँ आके फिर मैंने ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा, ज्ञान प्राप्त किया से क्या मतलब है आपका, मतलब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब यहाँ पर मैं आई तो मुझे पहले लगा कि यहाँ मुझे बिठा के कुछ चैंटिंग सिखाई जाएगी, कुछ ध्वनि, कोई ब्रीदिंग प्रोसेस कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि इससे पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी थी 2 साल। अच्छा जी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, पर वहाँ जो सिस्टर थे उन्होंने मुझे ज्ञान देना शुरू किया, नॉलेज देनी शुरू की, मेरी अपनी, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है, पर्पस ऑफ लाइफ जो था उन्होंने बताया। तो वो जो ज्ञान था, जो नॉलेज उन्होंने 7 दिन की दी मुझे, वो मुझे बहुत लॉजिकल लगा। मुझे ऐसा लगा कि जो भक्ति में हम आज तक करते आए, मैं पूजा पाठ भी करती थी, पर हमेशा मन में द्वंद्व रहता था, क्वेश्चन रहता था कि किसकी पूजा करें, कौन बड़ा है। पहले तो हम जैसे सभी देवी देवताओं का भगवान ही कहते थे, ये भगवान बड़ा है, गणेश बड़ा है, हनुमान जी बड़े हैं, दुर्गा माता बड़ी है, तो कोई नाराज ना हो जाए, भक्ति में ये रहता है, डर का रहता है कि। तो जब यहाँ मैं आई और मुझे जैसे जैसे ज्ञान देना शुरू किया, नॉलेज देनी शुरू की आत्मा की, परमात्मा की, मुझे ऐसा लगा जो भक्ति में हम कहानियां सुनते आए हैं उसका ट्रू मीनिंग अब हमें समझ आ रहा है। और वो सारी जैसे गुत्थियां थी, वो सारे पजल्स जो थे वो रिवील होते गए और मुझे बहुत फैसिनेट इस ज्ञान ने किया। आपकी बातों से मैं ये इंक्लूड कर पा रही हूँ अपने माइंड में कि यू आर सेइंग दैट नॉलेज इज पावर, राइट? उस नॉलेज ने आपको पावर दी, वेदर यू वर यूजिंग द बॉटनी इन योर लाइफ, कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है, कौन सी वेजिटेशन क्या इंपैक्ट कर रही है एनवायरनमेंट पे, बट आपको ये लगा कि ये जो नॉलेज था ये ज्यादा पावरफुल था आपके लिए, ये आपको ज्यादा फैसिनेट कर पा रहा था। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि फिर इसमें एडवांसनेस कैसे की आपने, क्योंकि मैंने जो आपके बारे में सुना है, मैं आपका देख रही थी, तो मैं उसमें देख रही थी कि आप एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं। तो बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन बीइंग अ कपल, तो आपने कैसे मेंटेन किया? देखिए, ज्ञान को सही तरीके से समझना और उसे जीवन में इम्प्लीमेंट करना, यहाँ जो है यहाँ गड़बड़ हो जाती है। परमात्मा जो है हमें कभी नहीं सिखाते कि आपने दूसरे को बदलना है। हम जब भी हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके आधार पर हम अपने आप को नहीं दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं। पर परमात्मा ने हमें सबसे पहले क्या सिखाया कि हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलना है। हम जब अपने आप को बदलेंगे उसके रिजल्ट में हमारे जो आसपास है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो हमें किसी पे फोकस नहीं करना है, हमें अपने आप पे फोकस करना है। आप अपने आंसर में मुझे बता रहे थे कि परमात्मा ने आपको बताया है, आपने कैसे रिलाई किया कि सचमुच परमात्मा ही पढ़ा रहा है?
देखिए, हम साइंस में भी कोई जैसे फिजिक्स का हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें कोई भी चीज शुरू करने से पहले हम सपोज करते हैं, सपोज ए बी इज इक्वल टू सी, और फिर हम थ्योरम को एक प्रोसेस लेके चलते हैं और लास्ट में हमें रिजल्ट मिलता है, हैंस प्रूव्ड। तो शुरू में हमने भी ऐसे ही किया क्योंकि एकदम से तो नॉलेज तो बहुत अच्छा लगा, पर परमात्मा पे निश्चय होते होते कुछ दिन लगते हैं, क्योंकि आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, हम एकदम यू नो ऐसे ही नहीं यकीन कर लेते, हमें लॉजिक चाहिए होता हर चीज के पीछे। डोंट वांट टू फॉल इन द चेज़म, राइट? यस, एग्जैक्टली। तो जब हमने उसके द्वारा दिए हुए नॉलेज को अपने जीवन में धारण किया, क्योंकि ये ऐसा नॉलेज नहीं है, कनरस वाला नहीं है, जब आप जा रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, वाह वाह मजा आ गया, ये प्रैक्टिकल करने का नॉलेज है। तो जो हमें सिखाया गया उसको जीवन में जब हम अच्छी तरह से नियमित रूप से उसका पालन करते हैं, तो डेफिनेटली लाइफ में चेंज आता है और आपको यकीन हो जाता है कि सच में ही ये कोई सुपर नेचुरल पावर है, अदरवाइज ये सब पॉसिबल नहीं। क्योंकि ये सब चीजें तो सभी जानते हैं, ज्ञान सभी को होता है कि ये करना, गुस्सा करना बुरी बात है, किसी को ईर्ष्या करना बुरी बात है, जेलसी करना, ये सब चीजें सबको पता है, बट वो पावर कहाँ से मिलती है? आपका कहने का मतलब है कि इट्स वेरी इजी टू से समवन कि जेलसी इज अ बैड थिंग, राइट? बट आप ये कहना चाह रही हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में जब हम आते हैं तो इस इंस्टीट्यूशन में हमें पावर भी मिलती है कि उस जेलसी को हम कैसे ना करें, या अगर हम कर रहे हैं तो उसको ओवरकम कैसा करें, ये आप कहना चाह रहे हैं, राइट? ओके, तो मैं ये जानना चाहती हूँ उसके बाद आपसे कि जैसे हम जानते हैं, हमें पता चला कि आपके हस्बैंड डीएसपी है, तो आई थिंक जो मैं एनालिसिस कर पा रही हूँ कि ही मस्ट बी वेरी मच लाइक रूट काइंड ऑफ इन सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट? कि ये रूल फॉलो होना ही चाहिए, बिकॉज बींग अ पुलिस मैन ही हैव टू, राइट? तो आप अपने रूल्स को आप उन पे इंप्लाई करते हैं या वो आप पे करते हैं, इस को कैसे मेंटेन करते हैं आप स्पिरिचुअल लाइफ में? ना वो मुझ पे करते हैं ना मैं उन पे करती हूँ। ओके, वेरी गुड थिंग। जैसे भगवान, आई थिंक इट्स हार्ड टू थिंक, राइट, इन द केस ऑफ अ कपल, बट आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, जब हमें परमात्मा ने कहा कि हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को बदलना है, सामने वाले का व्यवहार अलग अलग लोगों का, सबका अपना अपना व्यवहार होता है जी। तो परमात्मा ने हमें बताया कि हम ड्रामा का जो नॉलेज परमात्मा ने दिया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रामा का नॉलेज, कि इस सृष्टि रंगमंच पे हम सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे उस आत्मा की पत्नी का रोल प्ले करना है, और उस आत्मा को मुझे आत्मा देखना है, राइट? वो अपना रोल प्ले कर रहा है, बट मैं अपना रोल प्ले बेस्ट करूं, इस पे मुझे ध्यान देना, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो मुझे ध्यान नहीं देना। ऑल्दो आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ वेरी गुड हस्बैंड, ही इज वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, थैंक यू। तो आप उनकी नीड्स का ध्यान कैसे रखती हैं? मतलब जैसे आप प्रोफेशनल हैं, आप जाती हैं, पढ़ाने जाती हैं, जैसे मैंने आपके बारे में सुना है कि आप किचन में भी वर्क करती हैं, अपने इन लॉज के साथ रहती हैं, तो आप अपने हस्बैंड के कैसे टाइम दे पाती हैं? देखिए, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारी एप्स खुली रहती हैं, तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है, और अगर सिंगल ऐप ओपन करके रखें, उसको जब उसकी जरूरत नहीं है उसको ऑफ कर दें, तो बैटरी ज्यादा लंबी चलती है। तो हम जो, जैसा परमात्मा ने हमें बताया कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, एक एनर्जी है, और वो एनर्जी को जब हम वेस्टफुल थॉट्स में वेस्ट नहीं करते हैं, इधर उधर की बातों में, तो ऑटोमेटिकली आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, और इनर स्ट्रेंथ जो है आपकी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ में भी हेल्प करती है। ऑटोमेटिकली जब आप अंदर से पीसफुल रहेंगे, आपको अंदर इनर स्ट्रेंथ फील होगी, तो एक्सटर्नली भी आप में स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, और स्ट्रेंथ ज्यादा होने से आप एक्यूरेट डिसीजन लेते हैं, सही समय पे क्या चीज करनी, आपके बहुत सारे थॉट्स नहीं होते हैं, एक सही डिसीजन मेकिंग जो है आपकी एनहांस हो जाती है, सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं, और उससे ऑटोमेटिकली टाइम सेव होता है। वेरी गुड, आपकी बात से मैं ये समझ पा रही हूँ कि, क्योंकि जैसे मैंने सुना है कि बहुत बार लोग ये कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं तो आप इस लाइफ को नहीं फॉलो कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल नहीं बन सकते हैं, समवेयर कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि आप सन्यासी बन जाएंगे, आपको सब छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन आपकी बात से मैं ये कंक्लूड कर पा रही हूँ कि
ग्रस्त जीवन को अपग्रेड करने के लिए, उसमें खुशियां भरने के लिए, उसमें बैलेंस लाने के लिए स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो रहा है कि जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि पावर्स को जो आप कलेक्ट कर रही हैं और पावर्स को जो यूटिलाइज कर रही हैं, आपका मानना है कि प्रैक्टिकली जो आप रोज फॉलो कर रही हैं उससे आप में पावर बढ़ रही है और उस पावर को फिर आप चैनलाइज कर रही हैं अपनी गृहस्थी को बूस्ट करने के लिए। तो आई थिंक, मुझे लगता है इट्स अ गुड मैसेज फ्रॉम हियर, राइट। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि प्रोफेशनली जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो हर मैक्सिमम टाइम ऐसा भी होता है कि जब हम एग्जाम्स चेक करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि जो आपका फेवरेट स्टूडेंट है आपको लगता है कि मुझे उसको थोड़े मार्क्स ज्यादा दे देने चाहिए, या कई बार ऐसा होता है बच्चा पास होने के लायक ही नहीं है, तो क्या आप भी कुछ ऐसा करती हैं? नहीं, देखिए परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हर एक को हमें एक नजर से देखना है और वो तभी पॉसिबल है जब हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे। उनको हम एज अ स्टूडेंट नहीं देखते हैं, उनको हम एज सोल, एक एनर्जी देखते हैं, उनका स्टूडेंट का पार्ट है, हमारा उनको पढ़ाने का पार्ट है। और मैंने हर मेथड अप्लाई करके देखा है। मैं जब ज्ञान में नहीं थी, इस नॉलेज में, तो मैंने गुस्सा भी स्टूडेंट्स को करके देखा है, मैंने इमोशनल ब्लैकमेल भी बच्चों को करके देखा है, पर मैंने देखा उसका बहुत थोड़े टाइम का असर रहता है। और ये भी समझ में आया कि वो बेशक नंबर अच्छे ले लेंगे पर वो अच्छे इंसान कभी नहीं बन पाएंगे। और इस समय जो है सबसे ज्यादा जरूरत अच्छे इंसानों की है। तो जब हम आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हैं, उनको आत्मा देखते हैं, उनको एक आत्मिक स्नेह देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होते हैं और वो बहुत सिंसियरिटी उनमें आ जाती है। और सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें उनमें, वैल्यूज ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं। और वो जैसे हम जैसे कहते हैं ना कि किसी को हम बदल नहीं सकते जी, पर दूसरे आपसे इंस्पायर होते हैं, तो वैसा ही होता है, वो स्टूडेंट इंस्पायर होते हैं। यस, हम चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन सामने वाला अगर हमें देखे तो वो चेंज हो सकता है। आप अभी बात कर रहे थे कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो जैसे आपकी लाइफ है, इट्स अ काइंड ऑफ हेक्टिक वन, तो आप उसमें कैसे टाइम निकालते हैं आत्मिक अभ्यास का? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एनर्जी को जब हम एक चीज पे फोकस करते हैं, एक अभ्यास करते हैं, स्वमान का अभ्यास करते हैं, दैट आई एम अ पावरफुल सोल। और देखिए, जब हम सुबह उठते हैं, हमारा जो डेली रूटीन रहता है उसमें हम सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, जबकि मैं भी सुबह 7:30 और 8 बजे उठने वालों में से थी। अच्छा। पर जब आपको इंसेंटिव मिलता है तो ओवर टाइम करने में किसी को भी बुरा नहीं लगता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। जब मुझे ये नॉलेज मिली, मुझे इतना खुशी होती थी इस नॉलेज की कि मेरी आंख 3 बजे ही खुल जाती थी। राधा, तो सही कि जब आप इस नॉलेज में आए तो जो खुशी थी, हैप्पीनेस वाज योर इंसेंटिव, राइट? यस। ओके, तो जब हम सुबह उठते हैं, अपने आप को उस सुप्रीम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एनर्जी जो है वो हम में भर जाती है। जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर सोर्स टू द लोअर सोर्स। तो वो सुप्रीम है, वो तो हायर सोर्स है। हमें सिर्फ अपने सोल कॉन्शियस स्टेट में सेट होना, दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते फिरते, ड्राइव करते, हम तो ये सहज राजयोग है, यही तो इसकी खूबसूरती है। तो जब आप अपने आप को सुबह उससे फुलफिल कर लेते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हैवी किया हो तो सारा दिन भूख नहीं लगती है। तो वैसा ही इस राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास के साथ भी है। आपका कहने का मतलब है कि आप मॉर्निंग में ही अपने आप को इतना चार्ज कर लेती हैं कि सारा दिन आपको स्टूडेंट्स को टैकल करना है, फैमिली को टैकल करना है, रेस्ट इन अदर देन दैट, औरों को भी टैकल करना है, तो आप एनर्जी का बैकअप इतना स्टोर कर लेती हैं कि आप सबको प्यार से टैकल कर सके। जो इंसेंटिव ऑफ हैप्पीनेस आपको मिला है वो आप सबको बांट सके, राइट? बिल्कुल। ओके, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे अब आपके स्टूडेंट्स तो आपसे सेटिस्फाई हो गए, बट आपके कलीग्स, जब कोई पर्सन इतनी सक्सेसफुल स्टेज पे होता है, समवेयर जेलस जो होती है एक अलग पार्ट प्ले करती है। ये नेचुरल है। आज मैं देखती हूँ कि हम बहुत बार क्राइम केसेस को भी देखते हैं कि जेलसी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है उसके पीछे। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ? मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस ज्ञान में चलने से पहले मुझ में ये जो संस्कार था जेलसी का, वो डोमिनेटिंग था। एक्सटर्नली हम किसी को बोलते नहीं है, पर इंटरनली आप
कंपैरिजन जब करते हो हर चीज का, क्योंकि हम यू नो फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, फिजिकैलिटी में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उसके कपड़े ज्यादा अच्छे, वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ये मटेरियलिज्म, यस, तो उसमें रहते हैं. पर परमात्मा का ज्ञान जब मिला, और जब परमात्मा जैसे हमें बताते हैं कि आपने स्वमान का अभ्यास करना है, स्वमान का अभ्यास मतलब अपने आप को मान देना, अपने जो आपके नेचुरल गुण हैं, नेचुरल संस्कार हैं, उनको इमर्ज करना, जो मर्ज हो चुके हैं. तो इसमें जैसे मुझे जो सबसे पसंद है वो है प्रेम स्वरूप. मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, तो मैं प्रेम का ये जो आत्मिक स्मृति का अभ्यास है वो बहुत अधिक करती हूँ. तो मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ, मैं सच बता रही हूँ, कि मेरे कलीग्स में भी, मैंने फैमिली में भी कभी किसी की तरफ से भी अपने लिए ये जेलसी का कंसेप्ट कभी देखा ही नहीं. वंडरफुल. आप ये कहना चाह रही हैं, क्योंकि हम लोग ये लॉ पढ़ते हैं कि व्हाटएवर यू प्रैक्टिस इज यू बिकम दैट, राइट? यस. तो आप मुझे ये कहना चाह रही हैं कि आप लव की इतनी प्रैक्टिस करती हैं, जैसे आपने पहले भी बताया कि आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास करती हैं, तो आप अभी भी मुझे यही वो करना चाह रही हैं कि आप लव का इतना प्रैक्टिकली इतना अपने आप को उसमें रखती हैं कि आपके अराउंड का जो ऑरा है वो इतना लवफुल हो गया है कि चाहे आपका कलीग है, आपका स्टूडेंट है, दे ऑल कम विद लव इन फ्रंट ऑफ यू. बिल्कुल, राइट? ऐसा ही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि हम सबको भी लव की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? इसी बात में आप एक बात कह रहे थे, आपने मुझे ये कहा कि जब आपको ये ज्ञान, जैसे आप ज्ञान की प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, कि पहले आप में ये संस्कार थे, फिर संस्कार के साथ आपने शब्द जोड़ा मर्ज और इमर्ज. मैं ये जानना चाहूंगी ये मर्ज और इमर्ज का क्या कंसेप्ट है, आप में था, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस बात से? देखिए, परमात्मा ने हमें बताया कि हम जितने भी सोल्स हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, उनके सबके स्वाभाविक गुण हैं कुछ. जैसे हर आत्मा शांत स्वरूप है, हर आत्मा शक्ति स्वरूप है, हर आत्मा प्रेम स्वरूप है, हर आत्मा सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है. तो ये सात गुण परमात्मा ने हमें बताए हैं. पर जब हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, उस एनर्जी की फॉर्म से डेविएट होते हैं, तो फिजिकल बॉडी के साथ जो विकार अटैच्ड है वो हम में इनकल्केट आने शुरू होते हैं, मतलब परत सी उस पे चढ़ जाती है. तो जब वो परत चढ़ जाती है तो अंदर के जो हमारे ओरिजिनल स्वरूप है वो मर्ज हो जाता है. है वहीं पे, बट वो छिप गया है. छिप गया है, बोलने का मतलब exactly, है कि वो छिप गया है, आपने उसके ऊपर से एक लेयर चढ़ा दी. बिल्कुल, राइट. जब हम उसको परमात्मा से जोड़ते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली वो क्लीनिंग उसकी होती रहती है. और वो नेचुरली आपको पता भी नहीं लगता आप में कब कौन से चीजें परिवर्तित होगी, कौन से संस्कार आपके चेंज हो गए. आपकी बातों से मैं ये निकाल पा रही हूँ इन बातों से कि जैसे इस यूनिवर्सिटी में बेसिकली ये सिखाया जाता है कि आपकी जो पावर्स हैं, आपके शब्दों में कहूँ तो आपके जो गुण हैं जो आप में इस टाइम मर्ज हो चुके हैं, वो आपको किस तरह से अपग्रेड करने हैं, बेसिकली ये सिखाया जाता है. तो कहीं ना कहीं सार ये निकल रहा है कि राजयोगा इज टू डेवलप योर पावर, टू एनहांस योर पावर, योर वर्चूज, isn't it? Yes. Okay. Next, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आपके in-laws आपको support करते हैं? बिल्कुल. Okay. पूरी तरह से support करते हैं. In what sense? क्या वो आपको allow करते हैं कि आपको ये practice करना चाहिए? Because उनको profit तो हो रहा है, जो मैं आपके शब्दों से समझ पा रही हूँ. पर being a जैसे एक social stigma है कि कोई नहीं चाहता है कि उनकी जो in-law, daughter in-law है, वो किसी ऐसे institution में जाए, white कपड़े पहने, कुछ ऐसा कुछ है? देखिए, पहले तो यहाँ कपड़ों की कोई कंपल्शन नहीं है. ओके. क्योंकि परमात्मा कहते हैं हमें एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली अपने आप को चेंज करना है. जी. तो देखिए, शुरू में तो थोड़ा होता है सबको, क्योंकि भ्रांतियां ब्रह्मा कुमारी इसको लेकर इतनी ज्यादा हैं हमारे समाज में कि थोड़ा तो जैसे लोग बोलना शुरू करते हैं तो थोड़ा तो उनको लगता है. बट देखिए, हर इंसान को अपनी कंफर्ट जोन जो है वो बहुत पसंद है. जब आप उनको उनकी कंफर्ट जोन में रखते हैं, तभी तो परमात्मा ने कहा तुमने किसी को नहीं बदलना है. और शुरू में हमने कहा कि इस ज्ञान को सही तरीके से समझना और उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. तो हमने किसी को नहीं बदलना है, हमने अपने आप को बदलना है. और जब आपके आसपास परिवार में जो लोग रहते हैं उनको पहले से ज्यादा प्यार, पहले से ज्यादा केयर, पहले से ज्यादा सब कुछ मिलता है तो किसको बुरा लगेगा. जी बिल्कुल. पर ये पहले से ज्यादा आप कैसे दे पा रहे हैं?
भरपूरता बहुत हो रही है परमात्मा से. परमात्मा जब भरपूर करते हैं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इनर स्ट्रेंथ. तो देखिए परमात्मा ने हमें ये भी बताया कि जहां आप रहते हो नो डाउट हमारे उनके साथ हिसाब किताब है पूर्व जन्मों के, उनके साथ हम तभी इस जन्म में आए हैं. तो परमात्मा कहते हैं उनकी सेवा करो और आत्मिक भाव से सेवा करो. जैसे परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं, तो उस नाते अगर हम फिजिकल बॉडी को भूल जाएं तो उस नाते हम सब आत्मा है, क्योंकि आत्मा का एनर्जी का कोई जेंडर नहीं है. तो हम आपस में संबंधी हो गए, एक पिता के संतान है तो आपस में भाई का हम कह सकते हैं, भाई का नाता हम आत्माओं का हो गया. और जब वो अपनापन आप हरेक के उसी दृष्टि से अपनेपन से देखते हो तो उसकी कमी कमजोरियों को आप इग्नोर करते हो और उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हो. जैसे माँ होती ना उसको अपने बच्चे की कमियों को छुपाती है और उसकी जो अच्छी आते हैं उसको उजागर करती है. तो वही भावना मैंने देखा कि परमात्मा ने हम बच्चों में भी भरी. जब आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू की तो ये भावना आप में सर्च हो गई, बिल्कुल उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया. मुझे लगता ही नहीं है वो संबंध में आज चाहे मेरे कोई ससुर हैं, कोई सास हैं, कोई मेरे जेठानी हैं, हस्बैंड है, पर मुझे ऐसा फील होता है कि ये सभी मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे अपने हैं और मैं इनकी माँ हूँ. अच्छा। मुझे यही अंदर से फीलिंग आती है, ना केवल उनके लिए पर जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ, चाहे वो मेरे कार्य क्षेत्र में हो, चलते फिरते लोग, बहुत अपनापन सबसे महसूस होता है. और मुझे लगता है कि मुझे इनको सहयोग देना है, मुझे इनको प्यार करना है एक माँ की तरह. तो बात हुई आपके इन-लॉज की. अब मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स के बारे में कि क्या आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं. बिल्कुल करते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हैं. अभी हाल ही में वो मेरे साथ माउंट आबू भी गए थे, दो तीन दिन पहले ही. एंड दे वर वेरी हैप्पी और वो कह रहे थे कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ डॉटर लाइक यू. ओह वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट. तो अभी अभी आपने कहा कि आप माउंट आबू जाके आए, तो प्रोफेशनली आप इतनी बिजी हैं तो क्या आपको माउंट आबू जाने के लिए इतनी छुट्टी मिल जाती है, मतलब इतना प्रोफेशनली बैकअप होता है आपके पास? वैसे तो प्रॉब्लम्स होती हैं हॉलीडेज लेने, पर मेरा एक्सपीरियंस जितना भी है, जब भी मुझे जाना है मेरे किसी कलीग प्रिंसिपल ने कभी मुझे नहीं रोका. वो खुशी खुशी मुझे विदाई देते हैं, कहते हैं जाके आओ. Because you are giving them too much positive, right? कि आप उनको एक वाइब्रेशन कैसा माहौल दे रहे हैं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है जैसे आपने कहा हैप्पीनेस आप दे रहे हैं उनको, लव आप दे रहे हैं उनको, और बच्चों को आप एक इस लेवल पे डील कर रहे हैं कि आपका ये मानना है आपके शब्दों से जो निकला कि आपको उनको एक अच्छा इंसान बनाना है. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्टिंक्शन, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मार्क्स, राइट, बट इट्स अ मैटर ऑफ टू डेवलप देम एज वेल एज मेंटली, प्रैक्टिकली, फिजिकली, सोशली, एट ऑल लेवल, राइट. अब उस बात पे एक मैं कह सकती हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पे आप फोकस कर रहे हैं. तो आई थिंक कि कौन प्रिंसिपल ऐसा हो जो नहीं चाहेगा कि ऐसा जो टीचर है, ऐसा प्रोफेसर है, वो मेरे बच्चों को इस तरह से अपब्रिंगिंग ना दे. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कुछ ये पूछना चाहूंगी जो आपका बिल्कुल ही पर्सनल है. मैं ये जानना चाहूंगी कि जब भी हम प्यार की बात करते हैं तो प्यार शब्द जो होता है कई बार हमें लगता है कि वो एक रिलेशन तक जुड़ा रह जाता है. तो क्या जिस इंस्टीट्यूशन में भी आप हैं तो परमात्मा के साथ प्यार कैसे जुड़ता है, मैं ये जानना चाहूंगी. क्योंकि आपने कहा आप लवफुल बने, आपने लव की प्रैक्टिस की, तो वो लव की प्रैक्टिस आपने परमात्मा के साथ कैसे की? क्या आप गाने गाते थे या मतलब उसकी तरफ से आपको लव कैसे मिला? देखिए प्यार जो है वो डेवलप होता है कोई संबंध जोड़ने से. जी जब कोई रिलेशनशिप होता है प्यार तभी पनपता है. जी तो परमात्मा से सबसे पहले जो हमने रिश्ता जोड़ा वो एक साजन का जोड़ा. जी क्योंकि हमने मैंने जो है लव मैरिज की है. ओके. तो मुझ में वो पहले से ही काफी ज्यादा संस्कार था निस्वार्थ प्रेम का. जी. तो मैंने जब उसे साजन बनाया तो ऑटोमेटिकली मेरा जो प्यार था, जो संबंध था, उससे जुड़ गया. तो मुझे बहुत इजी लगा उससे प्यार करना. और धीरे धीरे तो उसकी तरफ से भी कुछ आ रहा था कि आपकी तरफ से ही था? उसकी तरफ से तो ज्यादा आता है. आप बहुत हल्का फील करते हो, आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, और कोई भी सिचुएशन. देखिए बच्चा पेपर देता है तब पता लगता है उसने कितनी पढ़ाई की है. जी. तो जब लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और उसमें आप कितने स्टेबल रहते हो, कितने लवफुल रहते हो, राइट डिसीजन लेते हो, सबको संभालते हो,
तो उस समय पता लगता है तो उसका लव कितना है, कितना है आपके लिए। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में ऐसे हुए हैं जिससे ये फील हुआ है कि वो सदा साथ है। ऐसा एक्सपीरियंस आप नरेट करना चाहें कुछ क्षणों में मुझे। बिल्कुल, मैं आपको एक जो मुझे अभी रिसेंटली याद आ रहा है उस पे आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। जब मैं नई नई ज्ञान में चली थी तो मैंने सिस्टर्स को देखा था, वो बाहर का नहीं खाती हैं, मेरा आहार जो है वो सात्विक है, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। तो मैंने थोड़ा भी शुरू में छोड़ा था, अभी मुझे 15-20 दिन हुए थे। तो हमारा एक कोर्स रहता, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो मुझे आउट ऑफ यू नो स्टेट जाके करना, 30 डेज का प्रोग्राम रहता है। तो मेरे मन में जैसे हम सुनते थे कि परमात्मा को आप समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, वो खुद आपकी हेल्प करेगा। तो जैसे ही मेरा कोर्स का नॉमिनेशन आया, मैंने कंसेंट दिया उसके, आई थिंक बिना कुछ सोचे समझे कि मेरे खाने पीने का क्या होगा, मैं बाहर का नहीं खाती, खुद बना के परमात्मा की याद में भोग बना के फिर उसको भोग लगा के खाती हूँ। बिना ये सोचे समझे परमात्मा को समर्पित कर दिया कि अब आप जानो, मैं आपका बच्चा हूं, आप जानो, आपने मुझे ये मार्ग दिखाया है। और विद इन 15 डेज मेरे हस्बैंड ने 2 साल पहले जो था एक डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया था चंडीगढ़ में, तो CBI में। तो उनका डेपुटेशन आया, तो 1 महीना पहले जो थे वो चंडीगढ़ पहुंच गए। अच्छा। और उन्होंने जो घर लिया वो भी बाय चांस जो हमारा सेंटर रहता है उसके 5 मिनट के डिस्टेंस पे था। और जब मैं वहां गई तो वो कहते हैं, मैंने कहा यही पास में सेंटर, कहते तुझे यहाँ पे मिल गया सेंटर, मैंने बोला हाँ, परमात्मा बाबा जो है अपने साथ रखता है अपने बच्चों को। फिर वहां मेरा 1 महीना कुकिंग खुद करती थी, टिफिन खुद पैक करती थी। और जैसे ही मेरा 30th को कंप्लीट हुआ कोर्स, तो मेरे हस्बैंड को फिर से हिमाचल वापस बुला लिया गया। मतलब उनका डेपुटेशन जो था वो सिर्फ 1.5-2 महीने का था। तो ये तो मुझे बहुत ही वंडरफुल लग रहा है कि आप सिर्फ उसको बुला ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहा है, वो चल के ही चल के आ रहा है। मतलब वो अरेंजमेंट भी आपके लिए कर रहा है। शब्दों से तो मैं ये कंक्लूड कर पा रही हूँ कि वो ही धरा पर चल के आ गया है कि आपके लिए सारा अरेंजमेंट कर दिया कि बच्ची खाने का सोच रही है, तो व्हाई नॉट आई शुड हैव टू गो देयर एंड प्रिपेयर फॉर हर। ऐसा लग रहा है, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो आपके जितने भी, मतलब मैंने एक्सपीरियंस आपका सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि बीइंग अ सक्सेसफुल प्रोफेसर, इट्स वेरी इजी टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन आल्सो। वो एक तरफ अपनी गृहस्थी भी चला रही हैं, जहां उनकी मदर इन लॉ भी है, सिस्टर इन लॉ भी है, ब्रदर इन लॉ भी है, उन सबके साथ चलते हुए बच्चे भी हैं, हस्बैंड जहां एक तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट में है, DSP की पोस्ट पे है, उन सबके साथ चलते हुए उन्होंने ये हमें समझाया, उनकी बातों से जो क्रक्स निकला कि उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने सबसे पहले परमात्मा के साथ रिलेशन जोड़ना सीखा। उनके ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमने सुना कि जब परमात्मा रिलेशन निभाने में आता है, बिकॉज ही सेड कि टाइम मुझे देना पड़ा, मैंने उस रिलेशन में इन्वेस्टमेंट की और उसने भी उतनी ही इन्वेस्टमेंट की। जब उनको खाने का इश्यू था तो उनके शब्दों से मुझे ये लगा कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी, सुप्रीम बींग की जो इन्वेस्टमेंट थी, वो उनसे कहीं ज्यादा थी। तो हेंस इट्स प्रूव, जैसे उन्होंने कहा कि थ्योरी के बाद हम कहते हैं हेंस इट्स प्रूव, तो समवेयर हेंस इट्स प्रूव कि सुपर नेचुरल पावर भी अपना, जो अगर आप बच्चा उसके लिए कुछ करता है तो वो भी उसके लिए जोर शोर से करने के लिए आता है। साथ ही इनके इनके एक्सपीरियंस से मुझे ये लगा कि आज जो नीड ऑफ एन आर है वो प्रैक्टिस ऑफ लव है। जो आज हम इंटरनेशनल इश्यूज देख रहे हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि एक तरफ युद्ध की संभावना बन रही है, वर्ल्ड वॉर हमारे सिर पर आके खड़ी लग रही है, फैमिन्स हम देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हम देख रहे हैं, जैसे वो बॉटनी की प्रोफेसर हैं, वो उस चीज को समझते हुए चलते हुए, बिकॉज लव इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द वेजिटेशन। अगर वो लव की प्रैक्टिस कर रही हैं तो स्टूडेंट्स को तो दे ही रही हैं, पर वेजिटेशन के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो ये हमारी आज की जनरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो अंत में डॉक्टर साहब, वेरी मच थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, आपने अपने इतने इम्पॉर्टेंट अनुभव हमारे साथ शेयर किए और शायद हमें भी मोटिवेट किया कि वी ऑल्सो नीड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ लव, द प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। तो थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।